हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी विद कृष्णा में। दोस्तों, हम आज देखेंगे मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला मुहावरा है खून पसीना एक करना, खून पसीना या एक करना यानी बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट मुहावरा है पीठ दिखाना, पीठ दिखाना यानी हार कर भाग जाना। और नेक्स्ट मुहावरा है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना, कोई काम को आरंभ करना। और नेक्स्ट मुहावरा है लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। चलिए नेक्स्ट है 9-2-11 होना, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, यानी भाग जाना। चलिए नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना यानी छोटे होने पर भी चालाक होना, छोटे होने पर भी चालाक होना। चलिए नेक्स्ट है टन बोल जाना, नेक्स्ट है टन बोल जाना यानी मर जाना, मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है नानी याद आना, नानी याद आना यानी कष्ट का अनुभव होना। चलिए नेक्स्ट है कागज काला करना, कागज काला करना यानी व्यर्थ लिखना, व्यर्थ लिखना। चलिए नेक्स्ट है लकीर का फकीर, लकीर का फकीर होना यानी अंधविश्वासी होना, अंधविश्वासी होना। चलिए नेक्स्ट है गुदरी का लाल होना, गुदरी का लाल होना यानी गरीब परिवार में गुणी व्यक्ति का उत्पन्न होना, गरीब परिवार में गुणी का उत्पन्न होना। चलिए नेक्स्ट है लोहे का चना चबाना, नेक्स्ट मुहावरा है लोहे का चना चबाना यानी कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। चलिए हमारा नेक्स्ट है मुहावरा हाथ मलना, हाथ मलना यानी पछताना, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होगा पछताना। चलिए नेक्स्ट है दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना यानी मित्रता होना, मित्रता होना। चलिए नेक्स्ट है आंख का तारा होना, आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, देख लीजिए।